जीवन एक संघर्ष है, तो संभाल, इसमें जीतने से बहुत ज्यादा और कहीं ज्यादा जरूरत है अपने आप को संभालना। उनको बताओ भाई कि यही सब कुछ नहीं है, जोर से ज्यादा स्ट्रेस अपने बच्चों पे ना दे। 16 लाख लोग जिस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं ना, वो तुम्हें मिल जाएगा। ये जो तुम पेशेंस सीख रहे हो, लड़ना सीख रहे हो, हिम्मत रखना सीख रहे हो, मेहनत करना सीख रहे हो, रिलेटिव तो होते ही है ना। देखो अच्छा, तारीफ कौन करता है तेरा? तू बहुत अच्छा करेगा तो तारीफ कौन करता है बता? कौन कर? हमारा कतई मतलब नहीं है कि आप जान दे दे, देखिए अरे कैसा है ये मास्टर, पागल है क्या? सब कुछ नीट थोड़ी ना होता है, सबका पेशेंट डॉक्टर सारा थोड़ी ना हो सकता हूँ। चीजें मुश्किल है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन अपने मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि हमेशा हम उम्मीद अपने से बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि सर हमारे मेहनत के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें परेशान हो जाना है। हमेशा हम अपने से ज्यादा उम्मीद ही करते हैं, हमारे फैमिली भी हमसे ज्यादा उम्मीद करती है, हम अपने से ज्यादा उम्मीद करते हैं। तो अगर आप उम्मीद जैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसमें परेशान थोड़ी ना होना है। वो तो भाई साहब होता ही है कि हम उम्मीद से ज्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत करते तो उम्मीद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने आप से कि इतना हो जाना चाहिए, इतना रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा इतना है। समझ रहा है कि नहीं है? और ये जो संघर्ष है ना, ये जो संघर्ष है इस संघर्ष में जीतने से ज्यादा जरूरी है अपने आप को संभालना। इस संघर्ष में जो आप कर रहे हैं, स्ट्रगल संघर्ष कर रहे हैं, इसमें जीतने से बहुत ज्यादा और कहीं ज्यादा जरूरत है अपने आप को संभालना। जब मैं कई बार आपको कहता हूं कि नहीं, तुमको बहुत जान लगाना है, अपने क्षमता से 4 गुना ज्यादा पढ़ना है, आर पार की लड़ाई है, तुम एकदम ऐसे खड़े हो कि इधर तुम्हारी जीत है और इधर तुम्हारी हार है, ये सारी बातें इसलिए बोली जाती है कि आप अपनी 100% क्षमता का उपयोग करें, आप थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाएं। इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि नीट और जेई के अलावा डॉक्टर इंजीनियर बनने के अलावा जीवन में कुछ है ही नहीं, इसलिए नहीं कहता बेटा। कई लोग आके मुझे सुनाते भी है, मैं देखता हूं, कहते हैं कि अरे कैसा है ये मास्टर, पागल है क्या? सब कुछ नीट थोड़ी ना होता है, सबका पेशेंट डॉक्टर बनना थोड़ी ना होता है, कहते कि हमें 18 घंटे पढ़ना है, हमें 16 घंटे पढ़ना है। देख भाई, ऐसा है कि अगर तू 10 घंटे पढ़ रहा था ना, और लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, लाइफ का मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मजदूर बन जाओ, मेरा वो इंटेंशन नहीं है कहने का। खैर उनकी बातों पर मैं ध्यान ही नहीं देता, मैं आपको कहता हूं बस कि देखो बेटा, इस संघर्ष में जीतने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने आप को संभालना। लेकिन तुम जिस स्टेज में हो ना, तुम्हें लगता है कि तुम संघर्ष कर रहे हो और शायद यही संघर्ष, और इसके बाद तुम सक्सेसफुल हो गए तो संघर्ष खत्म हो जाएगा। संघर्ष उसके बाद भी रहेगा, संघर्ष उसके बाद भी रहेगा। तुम्हें क्या लगता है कॉलेज में जाओगे तो संघर्ष सब खत्म? बेटा तुम्हारा लाइफ एक स्टेप ऊपर चला जाएगा। 16 लाख लोग जिस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं ना, वो तुम्हें मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा लाइफ एकदम कंफर्ट हो गया। देखो बेटा, जो जहां है ना, वो वहीं पे संघर्ष कर रहा है, और लाइफ का मतलब ही संघर्ष होता है। लाइफ का मतलब ही संघर्ष होता है। तुम कॉलेज में जाओगे, वहां भी पढ़ने के लिए संघर्ष करोगे, पेपर होगा, बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़नी होगी, उसके बाद पीजी का एंट्रेंस होगा, उसके बाद जॉब का संघर्ष होगा, उसके बाद पैसा कमाओगे, मतलब एन नंबर ऑफ चीजें हैं लाइफ में। जब तक तुम जिंदा हो ना, उसका नाम ही है कि तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अगर तुम सीधा लेटे पड़े हो, कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हारे और मरे हुए इंसान में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि सच में यार, डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी फ्यूचर बहुत कुछ है। आप अपना 100% दीजिए, लेकिन फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलेगा। घबराना या फिर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाना, ये बहुत ही बेकार बातें हैं। तुम आज देखो तो जितने लोग डॉक्टर बन के सक्सेसफुल हैं, उतने से ज्यादा कहीं लोग बिना डॉक्टर बने भी सक्सेसफुल हैं जीवन में। जीवन में जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना और लोगों को समझना, अपने आप को समझना और संघर्ष करना। जीवन एक संघर्ष है, तुम कुछ भी करोगे संघर्ष करते रहना पड़ेगा, तो इस संघर्ष से हारो मत। और नीट जेई की तैयारी से सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बनते आप नीट जेई की तैयारी से संघर्ष करना सीखते हो,
उस संघर्ष में हारो मत। ऐसा थोड़ी नहीं कि तुम यहां पे सिर्फ फिजिक्स सीखने आए हो यार, केमिस्ट्री सीखने आए हो और तुम डॉक्टर का एग्जाम दोगे, तुम डॉक्टर बन जाओगे, वहीं पे सब कुछ खत्म। ऐसा नहीं है। तुम ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए नहीं सीख रहे हो कि तुम्हें सिर्फ डॉक्टर ही बनना है। तुम इतने कम समय में सिलेबस कवर कर रहे हो, तुम इतना लोड ले रहे हो, प्रेशर झेल रहे हो, टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारे पूरे लाइफ काम आएगा। ये पूरे लाइफ तुम्हारे काम आएगा, सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए नहीं है ये सब। ये जो तुम पेशेंस सीख रहे हो, लड़ना सीख रहे हो, हिम्मत रखना सीख रहे हो, मेहनत करना सीख रहे हो, और दूसरी तरफ मैं सारे पेरेंट्स को नहीं बोल रहा हूं, कुछ पेरेंट्स होते हैं उनको बताओ भाई कि यही सब कुछ नहीं है, जॉब से ज्यादा स्ट्रेस अपने बच्चों पे ना दे। बहुत ज्यादा एक्सेस स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। हर एक इंसान का समय होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने पे भी उसको सफलता कभी एक साल बाद मिलती है, या 4 महीने बाद मिलती है, या फिर 4 साल बाद मिलती है। तो संभालो अपने आप को, और ये समय है जिसमें आपको संभालना पड़ेगा। अपने आप को संभालो, मतलब होता है कि आप टाइम मत खराब करिए, आप अपना 100% कैपेबिलिटी, अपनी इफिशियंसी को यूज करिए। हमारा कतई मतलब नहीं है कि आप जान दे दें, और कतई मतलब नहीं है कि आप डिप्रेस्ड हो जाएं। हमारा ये मकसद ही नहीं है। तो अपने आपको संभालिए, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हां, लेकिन आप अपना टाइम खराब ना करें, आप ऑनेस्ट रहें बस। आप अपना 100% दे, आप ऑनेस्ट रहें और मेहनत करते रहें, ठीक है। और पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना चाहिए, हाँ ये लाइफ कंपटीशन से भरा हुआ है, ये लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल्स है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको रिजल्ट अभी ही चाहिए अपने बच्चे से। उसको समय दो, समय देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। समय देना बहुत जरूरी है, समय दीजिए और आप अच्छा करेंगे, चिंता मत करिए। समझ में आया कि नहीं है? तो बहुत सारे लोग अभी मतलब दबाव में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं कि हमें 18 घंटे पढ़ना है, हमें 16 घंटे पढ़ना है। देख भाई, ऐसा है कि अगर तू 10 घंटे पढ़ रहा था ना, तो 10 घंटे 5 मिनट पर, 10 घंटे 15 मिनट पर, हाँ थोड़ा थोड़ा बढ़ा अपनी कैपेबिलिटी को। जहां तू समय खराब कर रहा है वो सब मत कर, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हर इंसान अलग अलग चीजों के लिए बना होता है, हर इंसान अलग अलग चीजों के लिए बना होता है, ठीक है ना। और सबका टाइम फ्रेम अलग होता है, सबका टाइम जोन अलग होता है, तो इस चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ यार, मतलब ईमानदार रहो, ये जरूरी है। आप अपना 100% इफिशियंसी यूज करो, ये बहुत जरूरी है। समझ में आया कि नहीं है? चलिए, और देखो रिलेटिव का कुछ नहीं करना, रिलेटिव तो होते ही है ना। देखो कोई बोलने वाला तो होना ही चाहिए, उनका काम ही बोलने का। तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारी तारीफ कौन करेगा बताओ? रिलेटिव्स करेंगे। जब खराब करोगे तो बुराई कौन करेगा? रिलेटिव करेंगे। तो उनका जन्म ही है, उनका उनका रोल ही है बोलने का। जब कुछ भी करोगे ना तो बोलेंगे ही, उनका रोल है भाई। तो उसमें तू करे क्यों परेशान हो रहा है, वो तो कुछ बोलेंगे ही। अच्छा, तारीफ कौन करता है तेरा? तू बहुत अच्छा करेगा तो तारीफ कौन करता है बता? कौन करता है तारीफ? और वही मोहल्ले वाले, फैमिली वाले, रिलेटिव करते हैं ना, वही करते हैं ना। तो बुराई करने का भी हक उन्हीं को है, उनका काम है बोलना। समझ में आया कि नहीं है?